नमस्कार, मैं डॉक्टर गोपा चक्रवर्ती मेरे चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। हम लोग राग गायन जब करते हैं या बजाते हैं, इंस्ट्रूमेंट में बजाते हैं, तब हमें ये दो शब्द बहुत इम्पॉर्टेंट होता है या ध्यान रखना पड़ता है कि वादी संवादी क्या है। तो आज मैं बात करूँगी कि वादी संवादी को राग गाते समय किस तरीके से यूज़ करना है या किस तरीके से उसको यूज़ करना चाहिए ताकि राग अच्छे से मतलब हम विस्तार करके दिखा सके या लोगों को पता चले या हमें पता चले कि ये इसका वादी संवादी है। देखिए, पहले जब हम लोग उसका आरोह अवरोह में मतलब वो वादी संवादी को लेते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि वादी संवादी को हम ठहरते हैं, मतलब वो स्वर में आके ठहरते हैं। मैं आपको गा के बताऊंगी, लेकिन कुछ आरोह अवरोह में ऐसा होता है कि ठहरते नहीं है, पता नहीं चलता है, पकड़ में थोड़ा बहुत उसको एक दो बार ले लिया, कंटिन्यूअसली दो बार ले लिया, ऐसा होता है। लेकिन बंदिश जब हम गाते हैं तो उसमें होता है, इसीलिए हम लोग हमेशा कहते हैं कि बंदिश में जो नोटेशन है ना उसको आप अच्छे से समझ के गाइए। हाँ, कभी कभी क्या होता है, बंदिश सुना तरीके से हम फिल्मी गाना गाते हैं तो गाना सुन लिया और उसको रट लिया, अब ठीक है, उसका इनसाइट क्या स्टोरी है हमें जानने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, जिस तरीके से गुरुजी ने सिखाया या हमने कहीं से भी सुख लिया और उसको गा दिया, हो गया। लेकिन जब आप उसका आलापचारी करते हैं, जब उसका तान करते हैं, तब आपको इसके ध्यान रखना चाहिए, खासकर जब आप इसकी आलापचारी करते हैं। देखिए, एक बात मैं आपको कह दूँ, तान में ना इतना वादी संवादी का पता नहीं चलता है, वादी संवादी को हम संभाल भी नहीं सकते हैं, क्योंकि तान तो फ्लो में होता है ना, एक स्वर के बाद एक स्वर, एक स्वर के बाद एक स्वर आता है, उसमें आप कहाँ ठहरेंगे, नहीं पता चलता है। और वो एक क्या होता है कि जब हम एक राग के अंदर जाते हैं ना तो वो राग का एक सेट हमारे दिमाग में घूमता रहता है, तो तान आप गा रहे हैं वही स्वर में, लेकिन हम उस स्वर से मतलब उस तान को उस राग से हम अलग नहीं कर सकते, वो ऑटोमेटिक एक बन जाता है। लेकिन आलापचारी में आपको वादी संवादी का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ राग ऐसे होते हैं कि सिर्फ वादी संवादी के लिए राग का रूप चेंज हो जाता है, राग का पूरा मूड ही चेंज हो जाता है, जैसा कि है भूपाली और देशकार। भूपाली में वादी संवादी है गा और धा, वादी है गा और संवादी है धा, और देशकार में ठीक उल्टा, वादी है धा संवादी है गा। तो आपको पता होगा कि भूपाली पूर्वांग प्रधान राग है, नीचे नीचे गाया जाता है, और देशकार ऊंचा ऊंचा गाया जाता है। उसका एक छोटा सा कारण ये भी है, देशकार का जो वादी स्वर है वो धा है, तो धा तो गा से ऊपर है ना, हा? तो सीधा धा सा से ध पे लेके जाते हैं, तो पता चल जाता है कि ये तो ऊंचा ऊंचा है, दैट मीन्स स्वर तो सेम है, सारे ग प ध स सा ध प ग रे सा सेम है, तो एकदम से हाँ ये देशकार है। इस तरीके का है, बहुत सारे ऐसे राग हैं जैसे पुरिया मारवा, सेम स्वर है लेकिन सिर्फ वादी संवादी अलग है। तो इस तरीके से हम वादी संवादी को जानते हैं, लेकिन गाने में, अब गाने में किस तरीके से आएगा, देखिए मैंने पहले आपको ये ध्यान रखना है कि भाई आलाप में ही आप उसको दिखा सकते हैं, ना कि तान में, हो गया ये क्लियर। बंदिश में आपका कुछ करने का है नहीं, आपको तो बंदिश फॉलो ही करना है, बंदिश में जो है उसको फॉलो करना है। हाँ, बंदिश में आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना चाहिए या अच्छा किसी से बंदिश आप सीखिए। और एक बात मैं हमेशा कहती हूँ कि बंदिश बुक में से मत सीखिए, बुक में लिखा रहता है ना, और आपने उसका नोटेशन दबा दबा के उसका नोटेशन को फॉलो करके आपने बजा लिया या गा लिया, उससे ना आपको वादी समाधि का पता नहीं चलेगा, जब तक आप उस राग को सुनेंगे नहीं। इसीलिए तो इसको कहते हैं ना गुरुमुखी शिक्षा, गुरु के मुख से निकलता है जो बंदिश, उसको सुन के आप प्रैक्टिस कीजिए, उसको फॉलो करिए, उनको सीखिए, उससे क्या होगा ना कि वो कहाँ पर रुक रहे हैं, कहाँ पर ठहर रहे हैं, कहाँ पर पॉज ले रहे हैं, कहाँ पर उसको खींच रहे हैं, ये सारा कुछ आपके कान
ग्रास्प करेगा और आप उस तरीके से सीखेंगे। बंदिश को दो चार दिन सीखने से नहीं आता, कंटिन्यूअसली सुनना पड़ता है, तभी जब आप बार बार करके सुनेंगे। बंदिश में भी आपको अच्छे से सुन के आइडेंटिफाई करना पड़ता है, हाँ यहाँ पर रुका गया है, यहाँ पर पॉज लिया गया है, वो सब देखना पड़ता है। अभी मैं बता देती हूँ कि जैसे कि भोपाली, भोपाली का जो आरोह अवरोह है आपको पता है, मैं थोड़ा सा गा के बताती हूँ। सारे गा पा धासा, कुछ पता नहीं चला, सारे गा पा धासा गाया, गाया मैंने सादा पे सा, मैंने थोड़ा बहुत ग पे रुके, उससे भी इतना ध्यान नहीं आता है। ग रे साधा, अब आया ग, ग ग से ही शुरू हुआ पकड़, ग से ही पकड़ शुरू हुआ, कैसा गया? ग रे साधा धा पे आया। देखिए ध्यान दीजिए, इसका जो संवादी है वो धा है, लेकिन हमने उस धा को ऊपर नहीं गाया, हमने नीचे गाया। ग रे साधा सारे ग, अगेन ग, प ग, अगेन ग, धा प ग, अगेन ग, रे सा, एक छोटा सा पकड़ में पूरा वादी संवादी क्लियर हो गया। अगर इसका आप आलाप गाना चाहेंगे तो कैसे गाएंगे? धा धा सा सारे गारे पागरे सारे धासा, मैं नीचे विस्तार कर रही हूँ, सारे गा पा धा पा, धा को मैंने ले लिया लेकिन बहुत मतलब कोमल तरीके से लिया, मतलब कोमल नहीं है लेकिन बहुत अच्छे से सॉफ्टली लिया। सारे गा पा धा सा धा पा गा पा धा पा गा रे सा, हो गया। तो बार बार आपको क्या करना है, ग को दिखाना है, धा को दिखाना है, लेकिन ऊपर वाला धा को नहीं, नीचे वाला धा, थोड़ा सा गए घूम के आ गए, सा को टच करके आ गए। अब देखिए देशकार, सा रा पा, तो सा से डायरेक्टली धा पे गए, सा धा, अगर करेंगे भोपाली सा धा, देशकार पूरा मूड ही बदल गया, चमकता हुआ लगता है ये चमकना, क्योंकि चमकना क्यों, क्योंकि एकदम से ऊपर जा रहे हैं ना, तो वो चमकता हुआ लगेगा। सा धा धा पा गा पा धा पा गा रे सा, मैंने संवादी को भी दिखा दिया। और एक राग है यमन, यमन में है वादी स्वर ग, संवादी स्वर नी। अब देखिए सा नी रे सा, यमन का शुरुआती होता है नी से, समाधि स्वर है नी रे गा, गा इसका वादि स्वर है, तो नी रे गा इसका मेन फ्रेज में आता है, तो आपको आलाप लेते लेते बार बार नी रे गा लेना है या नी गा को लेना है। निरे गा मा पा मा गा रे सा नी दा नी दा मा दा नी रे सा, निरे गा मा पा मा दा नी दा पा मा गा रे, निरे गा मा पा मा गा रे सा। अब देखिए क्या होता है कि जो स्वर वर्जित होता है राग में, उन स्वर को तो आपको लेना ही नहीं है, ठीक है, लेकिन वादी संवादी के अलावा जो स्वर है उन स्वरों को भी आपको लेना है,
उन स्वरों को भी आपको ठहरना है, उन स्वरों को भी अच्छे से दिखाना है, लेकिन आलाप गाते गाते आपको जो उसका वादी संवादी है बीच बीच में उसको प्लेस करते जाना है, प्लेस करते जाना है। तो फिर क्या है ना, आप बड़े सेफ साइड में रहेंगे, कोई आपको प्रश्न नहीं कर सकेंगे, अरे ये तो गा रहे थे भोपाली, लग रहा था देश का, क्यों? क्योंकि वो तो बहुत ऊंचा ऊंचा गा रहे थे। तो अगर आपको भोपाली गाना है तो आप बहुत ज्यादा ऊपर का काम नहीं कर सकते हैं। अगर आप देश का गा रहे हैं तो बहुत ज्यादा नीचे का काम नहीं कर सकते हैं। ये मैं कब के लिए बात कर रही हूं पता है, जब आप गायकी ढंग से गा रहे हैं, अपने तरीके से गा रहे हैं, रटा डटा या नहीं गा रहे हैं, तब की बात कर रही हूं। या तो अगर आप खुद आलाप तान बना रहे हैं, मैं फिर से दोहरा रही हूं कि तान में तो आपको कुछ ध्यान में रखना नहीं है, जैसे देशकर का तान और भोपाली का तान एक जैसे लगता है, लेकिन जैसे आप मुखड़ा गाएंगे ना, बहुत इंटरेस्टिंग है ये, हाँ ये एक माइंड गेम है, जैसे आप मुखड़ा गाएंगे ना तो वो राग एकदम से बंद जाता है। जैसे आप, जैसे भोपाली का आप मुखड़ा गाएंगे, उसके साथ तान गाएंगे, तान आप कुछ भी लो, अरे बाबा आपको तो मान ही तो लेना ही नहीं है, सारेगा पधासा ही तो लेना है ना, कुछ और तो लेना नहीं है। लेकिन अगर आप मानो कि तान गा रहे हैं, भोपाली का तान गा रहे हैं, तो मुखड़ा तो आपको गाना है ना, तो मुखड़ा तो भोपाली राग का ही है ना, जो बंधा हुआ है इस तरीके से बंधा हुआ है कि भाई उसमें ग दिखा जाएगा, धा को प्रबल नहीं होगा, तो उस तरीके से जैसे ही आप मुखड़ा पे आएंगे ना तो वो भोपाली का फील आ जाएगा। तान गा रहे हैं, कुछ भी तान आप गाओ, वो देशकर का ही तान रट्टा मारो, लेकिन आप जैसे ही उसका मुखड़ा लेंगे तो हम अगर थोड़ी देर के लिए, फ्यू मतलब 30 सेकेंड के लिए अगर आप देशकर में पहुंच भी गए तो, लेकिन आपको तो लाएगा वापस घर पे कौन, मुखड़ा, छोटा सा जो मुखड़ा होता है वो मुखड़ा तो आपको लाएगा ना, खींच के लेके आएगा, चलो नहीं 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 देशकर में नहीं जा रहे बाबा, ये भोपाली है, भोपाली में खींच के लाए, फिर से तान लिया, फिर से भोपाली में खींच के लाए, ऐसे ही होता है, ऐसे ही है देशकर में। देशकर में आपने ऊंचा ऊंचा तान लिया, तो चलो गाते गाते भूल गए और नीचे का तान ले लिया, लेकिन जैसे ही आपने देशकर का मुखड़ा लिया तो तुरंत आप देशकर में पहुंच गए। तो ये बहुत एक इंटरेस्टिंग बात होती है, मुझे लगता है जिनका भी ये क्वेश्चन था उन्होंने मुझे कमेंट में लिखा था तो मैंने उनका जवाब दे दिया। आपको भी अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन मन में है और आपको लगता है कि समझ में नहीं आ रहा, मेरे तो वीडियोस बहुत सारे हैं और सब चीज़ मैंने मतलब दे के रखा है, दे रही हूँ और भी भविष्य में दूंगी, तो आप लिख सकते हैं मुझे, पूछ सकते हैं, मैं जवाब देने की कोशिश करूँगी। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, क्योंकि जिस तरीके से मैं आपकी बात सुन रही हूँ, मैं आपकी हर क्वेश्चन का जवाब देती हूँ, तो फिर आपका भी तो फर्ज बनता है ना कि मैडम को थोड़ा सा सपोर्ट करें, मैम को थोड़ा सा लोगों के पास पहुँचाए, आपके फ्रेंड्स के साथ, आपके स्टूडेंट्स के साथ आप शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे ही वीडियोज़ मैं लाती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार।